डीडवाना जिले के तोशीना में ग्रामीणों की मांग पर काफी लंबे समय बाद बाईपास सड़क का कार्य चालू हुआ था, लेकिन पिछले एक महीने से सड़क का काम बंद पड़ा है। युवा नेता चैनाराम सेन ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण सड़क अधूरी पड़ी है। बाईपास सड़क निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री काम में ली गई, जिसमें बारिश के कारण जगह जगह से सड़क टूट चुकी है। ठेकेदार सड़क का काम अधूरा छोड़कर चला गया। सेन ने उच्च क्वालिटी की निर्माण सामग्री से बाईपास सड़क का काम जल्द पूरा करने की मांग की है। श्रीकांत व्यास ने बताया कि बाईपास सड़क निकलने के बाद अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिससे किसानों में भारी रोष है। किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा सरकार देवे। इस मौके पर सदाम हुसैन नरेंद्र सिघाड़िया, बाबूलाल सैनी, मुरली सिघाड़िया, राजेश सिघाड़िया, रमजान धोबी, प्रकाश श्रवण सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। लंबे समय से बाईपास की मांग थी और आखिर बाईपास चालू भी हुई, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण बाईपास सड़क अधूरी पड़ी है। ठेकेदार यहाँ से अपने सामान वामान लेके वापस चला गया है और पहली बारिश में जितनी सड़क बनी है उसमें जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं। तो ग्रामवासियों की मांग है कि सड़क का पुनर्निर्माण करके सड़क को कंप्लीट किया जाए और किसानों में आक्रोश है कि जब से सड़क निकली है तब से इनका मुआवजा नहीं आ रहा है। अधिकारी बोल रहे हैं कि अगले सोमवार को आएगा, अगले सोमवार को आएगा। तो किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा डाले जाए और ग्रामवासियों मांगे सड़क का पुनर्निर्माण किया जाए।